नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश पठानिया और आप देख रहे हैं एक्टर न्यूज। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष कुलदीप राठौर का हमीरपुर पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। गौरतलब है कि प्रदेश अध्यक्ष बनने के तुरंत बाद ही श्री राठौर प्रदेश दौरे पर निकल पड़े हैं। वे पार्टी कार्यकर्ताओं की नबज टटोलने के लिए हमीरपुर पहुंचे थे। इस अवसर पर उन्होंने पत्रकार वार्ता की, जिसमें उन्होंने बताया कि प्रदेशाध्यक्ष की ताजपोशी पर सभी मुख्य नेताओं का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त हुआ है। बस संगठन की नियुक्तियां कार्यालय में ना बैठकर वे फील्ड की रिपोर्ट लेने पर ही करेंगे। प्रियंका गांधी के संगठन में शामिल होने पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस में नए रक्त का संचार हुआ है। हमीरपुर में उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की ही संभावनाएं हैं। पेश है इस संबंधी हमारे सहयोगी सनी धीमान की एक रिपोर्ट। लखनपाल जी, हमारे जो है प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव सुनील जी और हमारे सुरेश जी, इन्होंने भी विश्वविद्यालय में जब मैं NSOI में था मेरे साथ काम किया है। कुलदीप पठानिया जी, हमारे बड़े भाई राजेंद्र जार जी, जो पार्टी के आप सभी लोग इनसे परिचित हैं, प्रेम कौशल जी, और आप लोग इतनी जोश के साथ यहाँ इकट्ठे हुए, आपने मेरा स्वागत किया। मुझे इस बात से मुझे ये लगता है कि हमीरपुर में कांग्रेस बहुत मजबूत है, और अगर आप इकट्ठे होकर चलते हैं तो यहाँ से जो 3 बार चुनाव जीते हैं अनुराग ठाकुर जी, आप उनको हराने में सक्षम हैं। राहुल गांधी जी ने कमान दी, वो ऐसे व्यक्ति को दी जो कभी पार्टी का विधायक नहीं रहा, जिसने कभी टिकट के लिए अप्लाई नहीं किया, ऐसे व्यक्ति को कमान दी। मैं ये समझता हूँ कि हर कार्यकर्ता जो कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ा है, राहुल गांधी ने कुलदीप सिंह राठौर को अध्यक्ष नहीं बनाया, आप में से हर कार्यकर्ता को अध्यक्ष बनाया। राहुल जी की तरफ से, जिला कांग्रेस की तरफ से सभी पत्रकार बंधुओं का धन्यवाद करता हूँ। देश में एक सत्ता विरोधी रुझान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, उनकी जो नीतियां रही, जो उन्होंने वायदे किए वो पूरे नहीं किए। मुझे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किए हुए श्री चंद्रोज हुए, और मैं राहुल गांधी जी के एजेंडे पे प्रदेश में निकला, और जगह जगह पे जिस तरह से लोग उमड़ कर बाहर आ रहे हैं, वो इस बात को इंगित करते हैं कि कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है। क्योंकि अगर किसी पार्टी को कमज़ोर करना हो तो उसके नेता को फिर इतना हमला करो, उसे कमज़ोर साबित करो ताकि पार्टी उठ ना पाए। राहुल गांधी जी के साथ इन्होंने यही प्रयास किया, लेकिन 1 वर्ष में उस व्यक्ति ने संगठन को ताकत दी, देश में जाके जनसभाओं के माध्यम से मोदी को ललकारा। उसी के परिणाम स्वरूप कांग्रेस मुक्त बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में जो है हारी चुनाव, और कांग्रेस ने चुनाव जीते। श्रीमती प्रियंका गांधी जी के कांग्रेस संगठन में कार्यभार संभालने के बाद पार्टी मजबूत हुई। निश्चित तौर पे उनके बनने के बाद हवाएं और फिजाएं बदलेगी। बहुत बड़ी हमारी जनसभा का हमने आह्वान किया, और हमारे तमाम साथी, क्योंकि एक अकेले व्यक्ति की बात नहीं होती, आप एक संगठन की बात होती है, और एक बहुत बड़ी जनसभा का हमने शिमला में आयोजन किया, और हमारे पार्टी के तमाम वरिष्ठ नेताओं ने मंच पर उपस्थित होकर मुझे आशीर्वाद दिया। मुझे ऐसे समय पे प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेवारी सौंपी गई, जब लोकसभा चुनाव दहलीज पे, मेरे पास समय बहुत कम है। संगठन की बात लो, मैंने खुद ये निर्णय किया कि जो भी नियुक्ति होगी वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय में बैठकर नहीं होगी।